जब भी यहाँ पर फंड्स आए हैं तो हमेशा शनाख्ती कार्ड के ऊपर जो है फंड दिए गए हैं। इस दफ़ा जो है माइनॉरिटी अफेयर्स वालों की तरफ से और डीसी साहब की तरफ से ये शर्त लागू की गई थी कि जो फॉर्म्स वगैरह हैं ये सारे, उसके लिए डोमिसाइल की शर्त लाजमी है। तो हमने डीसी साहब के सामने और सेक्रेटरी साहब के सामने भी इस मामले को उठाया कि जो हमारे यहाँ पे ज़्यादातर क्रिश्चियन कम्युनिटी के लोग हैं वो गरीब लोग हैं और उनके पास जो है डोमिसाइल्स वगैरह नहीं है, तो लिहाजा इस शर्त को जो है वो ख़त्म किया जाए। तो मैं सबसे पहले शुक्रिया अदा करता हूँ अपने डीसी साहब का, शाइक बलोच साहब का, एडीसी साहब खलील मुराद साहब का और सेक्रेटरी माइनॉरिटी अफेयर्स नूर जोगेजई साहब का, जिन्होंने हमें अकोमोडेट भी किया और इस डोमिसाइल के मसले को जो है उन्होंने रिमूव किया हमारी बात को मंजूर करते हुए। और इसके अलावा जो हमारा दूसरा मसला था कि जिस तरीके से हमने पहले भी देखा था कि इस फंड के नाम के ऊपर औरतों की जिस तरीके से सेक्रेटरीट के अंदर जो पिछले हमारे ये फंड्स वगैरह आए थे, जिस तरीके से ख्वातीन को बेतौकीर किया गया, जिस तरीके से हमारे बुजुर्गों को बेतौकीर किया गया, तो माइनॉरिटी नेशनल अलायंस की तरफ से और बलूचिस्तान नेशनल पार्टी की तरफ से ये मुतालबा रखा गया था कि ख्वातीन को और बुज़ुर्गों को भी जो है वो फॉर्म के लिए आना ना पड़े। तो लिहाजा डीसी साहब ने और सेक्रेटरी साहब ने इस मुतालबे को भी जो है हमारे मंजूर किया है। इसके अलावा मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा हमारे बीएनपी के जो सीनियर रहनुमा हैं गुलाम नबी मरी साहब, ये जिलाई सदर भी हैं और मरकजी कमेटी के मेंबर भी हैं, उन्होंने हमारा बहुत साथ दिया, वो हमें डीसी साहब के पास लेकर गए और हमारे साथ शाना बशाना खड़े हुए। इसके अलावा मैं शुक्रिया अदा करूंगा हमारे एहतशाम साहब का जो कि सीनियर बुजुर्ग रहनुमा हैं हमारे बीएनपी से, मैं इनका भी शुक्रिया अदा करूँगा। और मैं पूरी कौम को मुबारकबाद देना चाहता हूँ कि आपका मसला जो है वो हल हो गया है और अब आगे से किसी भी लेडीज़ को, किसी भी बुजुर्ग को डीसी ऑफिस जाने की ज़रूरत नहीं है, आपके मसले को हल हो गया। आप किसी भी फैमिली मेंबर्स को भिजवा सकते हैं ताकि वह वहाँ से फॉर्म हासिल कर सके। और इसके अलावा जो जिनका क्वेटा का परमानेंट एड्रेस है वो अपने शनाख्ती कार्ड को ले जा सकते हैं या अपने डोमिसाइल को ले जा सकते हैं और आपका यह मसला जो है वो हल हो जाएगा। इसके अलावा मैं अपने एमपीए साहब जो हमारे अखिलियत के बैठे हुए हैं, सर हमें आपसे बहुत गिला है कि कौम जो है कौम की बेटियां और माएँ और बुजुर्ग खवार हो रहे थे, थोड़ा सा सर आप लोगों को चाहिए कि आप इन मामलों को देखें। आप वोट लेकर आए हैं कौम के मसाइल को हल करने के लिए, लेकिन सोशल सेक्टर के लोग खवार हो रहे हैं और कॉमन मैन खवार हो रहा है और आप लोग सिर्फ जो है वो इंजॉयमेंट कर रहे हैं। बाकी मैं एक दफ़ा फिर से थैंकफुल हूँ अब मीडिया का और अपनी एडमिनिस्ट्रेशन का, बलोचिस्तान एडमिनिस्ट्रेशन का, डीसी ऑफिस का, सेक्रेटरीट का, जिन्होंने हमारे साथ मुकम्मल तआवुन किया, अकलियतों की आवाज़ को सुना। सो सर बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका। टाइटस जॉनसन साहब हैं हमारे एमपीए और मुखीलाल साहब हैं हमारे एमपीए साहब हैं और खलील जॉर्ज साहब हैं। मैं सबको मैसेज देना चाहूँगा कि आगे अब हमारे डोमिसाइल का भी मसला है, उसके लिए प्रॉपर्टी का इशू जो है वो खड़ा किया गया है। तो मैं इन तीनों हमारे एमपीए साहिबान से गुजारिश करना चाहूँगा कि काइंडली जो है ये प्रॉपर्टी के जो ये शर्त है इसको भी ख़त्म किया जाए, क्योंकि चूंकि जो हमारी अकलियतें हैं यहाँ पर वो बहुत गरीब हैं, वो शायद तीन वक्त की रोटी ही पूरी कर लें तो ये बड़ी बात होती है, तो लिहाजा इस शर्त को भी ख़त्म किया जाए। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू। पार्टी बीएनपी की तरफ से गुलाम नबी मरी साहब का, जो कि इस वक्त ज़िले सदर हैं और सेंट्रल कमेटी के मेम्बर भी हैं, उनका भी शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ बहैसियत अकलियती सीनियर रहनुमा। और ये कहना चाहता हूँ कि उनकी तवसत से ये जो मामलात थे तमाम जो हैं वो कामयाबी से हमकनार हुए, और इस पर डीसी का भी शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, अकलियती अमूर के जो सेक्रेटरी हैं उनका भी शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि उन्होंने हमारी बात को सुना और हल करने की कोशिश की। शुक्रिया। मेरा नाम शाहरुख नमरोज है, मैं बाहैसियत माइनॉरिटी नेशनल अलायंस प्रेसिडेंट बलूचिस्तान आप सबसे मुखातिब हूँ। मैं बहुत ही नहायत शुक्रगुजार हूँ डीसी क्वेटा एंड डीसी साहब का और माइनॉरिटीज अफेयर के जो सेक्रेटरी हैं उनका मैं नहायत शुक्रगुजार हूँ कि इन्होंने हमें बेहतर गाइडेंस दी और हमारे मसले को बहुत जल्दी से हल किया और हमारी जो जो मुतालबात थे उन्हें पूरा किया है। तो लिहाजा मैं अपनी कौम को जो ना इस चीज़ पर मुबारकबाद देता हूँ और अपने लीडर से जो हमारे माइनॉरिटीज़ के बलूचिस्तान के ऑन सीट लीडर्स हैं खलील जौहर साहब और मास्टर जॉनसन हैंटर साहब और शामलाल साहब, तो इनको मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि अपनी जिम्मेवारियों को समझें, कौम को खवार ना करें। जिस चीज़ के लिए आप सीट पर बैठे हैं, खिदमत करने के लिए बैठे हैं, तो लिहाजा खिदमत कीजिए, इंजॉयमेंट फिर बाद में कर लीजिएगा, ये वक्त इंजॉयमेंट का तो है नहीं। तो लिहाजा हमारी रिक्वेस्ट है कि हमारे लीडर्स हमारे साथ खड़े हों और मामलात को बेहतर तरीके से लेकर चलें ताकि कौम हमारी जो है ना बेहतरी की तरफ जाए, ना कि पीछे आने की।